हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमने ASTC रूल देखा था पिछले क्लास में, है ना, कि कौन सा क्वाड्रांट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन होगा, है ना। साइन किस क्वाड्रांट में पॉजिटिव होगा, टेन किस क्वाड्रांट में पॉजिटिव होगा, ASTC मतलब ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रांट, साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रांट, टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रांट और कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रांट, तो ये हमने देखा था। चलिए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला वगैरह, है ना। तो कुछ फार्मूला हम लोग आगे देखते हैं। देखेंगे बच्चा, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, याद रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, है ना। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन, एक्सप्लानेशन। तो आपका एक राइट एंगल हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आपका थीटा है, इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स और इसको वाई और इसको हम लोग आर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए बहुत अच्छा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वाई वाई क्या हो जाएगा बच्चा, आर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे एक्स अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन एक्स हो गया, वाई अपॉन एक्स हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो बच्चा बोलेंगे कि ये यदि आप एंगल ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हमने बोला था कि एंगल का सामने वाला साइड राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है और जिससे एंगल बनाता है वो बेस होता है और सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा एंगल ले रहे हो, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स हो गया, हाइपोटेनस आर, और एक्स बाई आर यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, समझ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, समझ में आ रही है बच्चों, है ना, आ रही है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वाला एंगल ले रहे हो तो बेस आपका वाई हो जाएगा, तो वाई बाई आर, वाई बाई आर यहाँ पे क्या है, वाई बाई आर क्या है, साइन थीटा, तो क्या हो गया, साइन थीटा। तो आपने क्या देखा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। अब देखते हैं टेन थीटा में, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे बच्चा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि टेन, या ये वाला एंगल ले रहे हो, परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस आपका वाई हो गया, तो एक्स बाई वाई हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या है, वाई बाई एक्स आपका टेन थीटा है, है ना, वाई बाई एक्स क्या है आपका टेन थीटा, तो चलो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एक्स को नीचे ले जाते हैं, तो वाई बाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई बाई एक्स, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, टेन थीटा, तो वन बाई टेन थीटा हो गया, और आप लोग जानते हो कि टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये आपका वन बाई टेन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट ये तीनों फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं, जैसे आपका क्या है, हम लोग क्वाड्रांट बना लें, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा। निगेटिव एंगल का मतलब क्या हो गया, निगेटिव एंगल आपका इधर बनता है, निगेटिव एंगल आपका इधर बनेगा, यही माइनस थीटा हो गया, तो किस क्वाड्रांट का एंगल हो गया बच्चा, फोर्थ क्वाड्रांट,
ये फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, फोर्थ क्वाड्रांट, समझ में आया। और हमने ASTC रूल बताया है, ASTC फोर्थ क्वाड्रांट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, बाकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप किसका वैल्यू निकाल ले हो, साइन माइनस थीटा, है ना। फोर्थ क्वाड्रांट में क्या पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन आपका थीटा हो जाएगा, याद रखें, है ना, कॉस माइनस थीटा, है ना, कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रांट में, तो कॉस तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए आपका, है ना, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, है ना। टेन माइनस थीटा, सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है, तो साइन और टेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। तो इसको, इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला फॉर्मूला हम लोग आते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। याद रखेंगे बच्चा, यदि 90 प्लस माइनस थीटा हो, है ना, 90 प्लस माइनस थीटा हो, तो साइन रहे तो कॉस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, याद रखेंगे, कॉट थीटा। लेकिन 90 में कुछ जोड़ोगे तो किस क्वाड्रांट का एंगल हो जाएगा, 90 कहाँ हो गया बच्चा, देखेंगे 90 आपका यहाँ आया, उसमें कुछ एंगल जोड़ोगे तो यही एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। तो किस क्वाड्रांट का एंगल हो गया बच्चा, है ना, किस क्वाड्रांट का एंगल हो गया, सेकेंड। सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है ASTC में, साइन पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू आप निकाल रहे हो तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन भी आपका निगेटिव हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना, कि आप साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रांट में, और ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रांट का एंगल हो गया, सेकेंड क्वाड्रांट का, इसीलिए साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉस और टेन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो फटाफट इस फार्मूला को भी आप याद रखेंगे, है ना, ठीक है, याद रखेंगे, 90 प्लस थीटा हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टेन का कॉट हो जाएगा, और साइन क्या होगा वो आप क्वाड्रांट से चेक कर लोगे, है ना, ASTC रूल से चेक कर लोगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पहुंच करके आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे बच्चा, जैसे कि आपका दे दिया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा लिखते हैं, है ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, याद रखेंगे 180 हो ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा हो, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, है ना, याद रखेंगे, साइन का साइन थीटा ही होगा, कॉस का कॉस थीटा ही होगा, टेन का टेन थीटा ही होगा, इस बात को। लेकिन अब साइन चेक करेंगे, 180 तो इतना हो गया, याद रखेंगे 180 यहाँ हो गया, उसमें से कुछ एंगल घट रहा है तो कुछ घटा देंगे, किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, यही हो गया 180 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड में क्या पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो साइन में ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा ही होगा, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, याद रखेंगे कि 180 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही, लेकिन 90 में हो, 90 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, आया समझ में बच्चा। चलिए तो इसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना, समझ में आ रहा है। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे, है ना, साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा। लेकिन अब आप ही बताएं बच्चा, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 यहाँ तक आता है, उसमें थीटा जुट गया, किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, अब और ये फोर्थ, आप जानते हो, इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें
10 और इसमें cos पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, याद रखेंगे फॉर्मूला। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया है। अब इसकी मदद से हम लोग कुछ कुछ वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दे दिया cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 120 का, तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, या 90 प्लस 30 लिख सकते हो, या 180 माइनस 60 लिख सकते हो। तो चलो कुछ भी लेते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आप जानते हो कि cos 180 माइनस थीटा, cos का cos ही रहेगा, तो cos ही थीटा होगा। और आप जानते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, cos 60 हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, किसका वैल्यू है, cos का वैल्यू है। चलिए बच्चों, तो हमने देख रहा था ये क्या हो गया, cos 180 माइनस 60 है ना, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया बच्चा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो माइनस 1/2 हो गया। याद रखेंगे बच्चा, cos 120 का वैल्यू माइनस 1/2 होता है, है ना। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दे दिया आपको cos 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 150 को क्या लिख सकते हो, चलो हम 90 के टर्म में लिखते हैं, cos क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना, इसे भी आप लिख सकते हो, या 180 माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हो, है ना। तो आप जानते हो कि यदि वो 90 प्लस माइनस थीटा हो तो cos का आपका साइन हो जाता है, तो साइन 60 डिग्री तो हुआ, लेकिन किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है ना, cos क्या होता है, नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है ESTC रूल से, तो आपका cos का वैल्यू निकाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। याद रखेंगे cos 150 का वैल्यू क्या होता है, माइनस √3/2 होता है, है ना। तो चलिए फटाफट है ना, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया है ना, कुछ ये सब वैल्यू याद भी करते जाएंगे बच्चा, cos 180 डिग्री दे दिया, तो आप इसका वैल्यू कहाँ कैसे निकालेंगे, तो चलो 180 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, तो देखेंगे कि ये है ना प्लस जोड़ रहे हो, है ना, तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, 180 प्लस थीटा रहे तो cos का cos ही रह जाता है ना, तो क्या होगा, cos 0 डिग्री ही होगा, cos 0 डिग्री तो होगा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में चल गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आप वैल्यू निकाल रहे हो, है ना, cos का तो नेगेटिव हो गया, और cos 0 का वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, तो माइनस 1 हो गया। इस वैल्यू को याद ही रखेंगे, cos 180 बराबर माइनस 1 होता है, इसको याद ही रखेंगे, ठीक है, cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1। चलिए हम लोग कुछ आपको होमवर्क देते हैं घर से बनाने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, है ना। तो पहला जो है आप लिखेंगे साइन 120 डिग्री, दूसरा कॉस 120 डिग्री, तीसरा आप लिखेंगे टेन 120 डिग्री, चौथा में आप लिखेंगे बच्चा साइन 150 डिग्री, पांचवा कॉस 150 डिग्री, छठा टेन 150 डिग्री, सातवां साइन 180 डिग्री, ठीक है, आठवां लिखेंगे कॉस 180 डिग्री, है ना, नाइन टेन 180 डिग्री, दसवां आप लिखेंगे बच्चा, ये सारा है आप लोग घर से करेंगे, होमवर्क है, साइन 210 डिग्री, ग्यारहवा कॉस 210 डिग्री, टेन
210 डिग्री, ठीक है। चलिए 13वां साइन 240 डिग्री, ठीक है। 14 कॉस 240 डिग्री 240। 15वां टेन 240 डिग्री। तो ये आपका होमवर्क है, घर से कर लेंगे आप इसको, है ना, घर से इसको कर लेंगे। तो चलिए इसको फटाफट आप पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा कुछ फार्मूला हम लोग और देखते हैं। जैसे 180 का मल्टीपुल में हो साइन एन पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री, याद रखेंगे पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, प्लस माइनस थीटा हो, या कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, या टेन एन पाई प्लस माइनस क्या हो थीटा हो, जहाँ पे एन क्या है इंटीजर, एन क्या है बच्चा, एन क्या है इंटीजर। इंटीजर है ना, इंटीजर का मतलब है आपका कुछ भी हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आपका 3, है ना, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये एन आपका इंटीजर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एन पाई मतलब 180 का मल्टीपुल प्लस माइनस थीटा हो, है ना, 180 का मल्टीपुल प्लस माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। आपने देख लिया था 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही, बस यहाँ पर भी वही होगा, है ना, यहाँ पर भी वही होगा, साइन का साइन थीटा ही, कॉस का कॉस थीटा ही, और टेन का टेन थीटा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको साइन रखना होगा, या तो प्लस या माइनस, ये किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, ASTC रूल से, है ना, ये कहाँ से रखेंगे ASTC रूल से। अब यहाँ पर भी आपको प्लस या माइनस रखना है, वो कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ASTC रूल से, ठीक है। यहाँ पर भी आप प्लस या माइनस रखेंगे अकॉर्डिंग टू ASTC रूल से, है ना, आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 फार्मूला। आप देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दे दिया साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, 2π का मतलब कितना हो गया, याद रखेंगे 2π, 1π यहाँ 180, ये 1π यहाँ पे चला गया 2π, उसमें से कुछ एंगल घट गया, किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे बच्चा ASTC रूल से, कॉस पॉजिटिव, वैल्यू किसका निकाल रहे हो साइन का, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये पाई का मल्टीपुल है, इंटीग्रल मल्टीपुल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको दे दिया कि कॉस 3π प्लस π/6 का वैल्यू क्या होगा, है ना, पाई के टर्म में, रेडियन में दिया हुआ है, तो 3π, पाई का मल्टीपुल प्लस माइनस थीटा हो तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस π/6 होगा। अब यहाँ पे या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अब कितना पाई है 3π है, तो 1π में यहाँ आ गया, देख रहे हो 2π में यहाँ आ गया, 3π में यहाँ आ गया, उसमें π/6 जुट रहा है, मतलब 30 डिग्री जुट रहा है, तो 30 डिग्री जोड़ोगे किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, है ना, तो 10 पॉजिटिव, ये किसका वैल्यू है कॉस का, तो नेगेटिव हो गया माइनस, और ये कॉस π/6, π/6 क्या होता है 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, याद करेंगे बच्चा, हम सारा वैल्यू लिखा चुके हैं, है ना, उसको याद करेंगे, जितना वैल्यू लिखाए हैं उतना आपको याद रखना है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर और सब वैल्यू याद नहीं रखना है, बोलेंगे नहीं, तो कैसे निकालेंगे, है ना, आपको बता देंगे हम निकालने के लिए कैसे, आप कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन घर में बैठ करके ज्योमेट्री बॉक्स ले करके,
कोई भी वैल्यू, साइन 5 डिग्री का दे दिया, साइन 6 डिग्री का दे दिया, साइन 35 डिग्री का दे दिया, साइन 36 डिग्री का दे दिया, साइन 37 है ना 37 का दे दिया, कोई भी आपका दे दिया तो आप निकाल सकते हो। लेकिन याद हमको क्या रखना है, 0, 30, 37 है ना, 45, 53, 60 और 90, और उसी के मल्टीपल में जो आएगा उसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला को आप है ना लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, सेम हमने देखा कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही रह गया। फिर हम लोग देखते हैं कि साइन पाई बाय टू का मल्टीपुल हो, किसका, पाई बाय टू का, लेकिन कौन सा मल्टीपुल, ऑड मल्टीपुल, यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा हो, या कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, टेन 2n प्लस 1 पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा। हमने पाई बाय टू का वैल्यू क्या बोला था बच्चा, 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री का मल्टीपुल हो। और याद रखेंगे 2n प्लस 1 ये आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या है, ऑड मल्टीपुल। आप n का वैल्यू क्या है, n जहाँ पे इंटीजर है ना, ये आपका इंटीजर है। n यदि आप इंटीजर रखोगे, n का वैल्यू 1 रखोगे है ना, यदि आप n का वैल्यू 0 रखते हो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 रखते हो तो 3 मिलेगा, 2 रखते हो तो 5 मिलेगा, मतलब आपका ऑड मिलेगा। यदि आप इंटीजर रखोगे तो आपको ऑड मिलेगा। तो ये पाई बाय टू का ऑड मल्टीपुल हो। कोई बच्चा बोलेगा कि इवेन क्यों नहीं, तो यदि आप इवेन रख दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई का मल्टीपुल हो जाएगा ना, पाई बाय टू का नहीं होगा है ना। तो इसके लिए पहले वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जस्ट इससे पहले वाला है ना, पाई बाय टू है, यदि इवेन आ गया तो 2 से 2 कट जाएगा, और कट जाएगा तो फिर किसका मल्टीपुल हो गया, पाई का मल्टीपुल हो गया, इसीलिए यहाँ पे ऑड रखना है। तो साइन है ना ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, आपका याद रखेंगे 90 का मल्टीपुल में हो, प्लस माइनस थीटा हो, तो 90 में क्या हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। तो सेम लिख देंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे कुछ साइन आएगा, यहाँ पे कॉस का कॉस थीटा हुई है ना, कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, और टेन का कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ साइन आएगा, ये साइन किससे आएगा, अकॉर्डिंग टू ए एस टी सी रूल से है ना। सेम यहाँ पे वही चीज़, इस पर भी आपका वही चीज़ है ना, ए एस टी सी रूल से आपको साइन देना है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आपको दे दिया साइन 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बोलेंगे सबसे पहले तो देखेंगे कि साइन का क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव रखेंगे, उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रांट है ना। तो पाई बाई 2 का 3 टाइम्स है, तो 1 पाई बाई 2 याद रखेंगे, यहाँ पे 90 बनता है, तो 1 पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, उसमें से कुछ एंगल घट गया, तो घट गया तो किस क्वाड्रांट में आ गया, थर्ड क्वाड्रांट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव बच्चा, थर्ड में आपका 10 पॉजिटिव है, लेकिन किसका वैल्यू निकाल रहे हो, साइन का, यहाँ पे देखना है साइन का निकाल रहे हो, कॉस का नहीं, तो साइन 10 सिर्फ पॉजिटिव होता है थर्ड में, साइन कॉस दोनों नेगेटिव, तो यहाँ पे लग गया नेगेटिव, और इसका वैल्यू क्या हो गया, कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है, तो माइनस रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया कॉस 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, लेकिन इसका क्वाड्रांट चेक करना है, तो कितना है, 5 पाई बाई 2 ना, पाई बाई 2 का 5 टाइम्स है, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, हम लोग यहाँ पहुँच गए, उसमें कुछ एंगल जुट रहा है, किस क्वाड्रांट में हो गया बच्चा, सेकेंड में। सेकेंड में क्या पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, किसका वैल्यू निकाल रहे हो, कॉस का,
हो गया क्या, नेगेटिव हो गया, है ना। तो नेगेटिव हो गया तो अब है ना साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, तो क्या हो गया माइनस रूट थ्री बाई टू, है ना। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी एंगल, है ना, कोई भी एंगल आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लो, आज इतना ही, है ना। हम लोग अगले क्लास में, एक क्लास और आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चलेगा, है ना, उसमें हम लोग एंड करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा।